जनाब सदन और इस यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं सबसे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कौमी काउंसिल की जानिब से आपका जो इत्तेजाज या संघर्ष जो जारी है उसको पूरी सपोर्ट और सॉलिडरिटी का ऐलान करता हूँ। साथियों, इस तरह से साजिशों के तहत तालीमी इदारों को टारगेट किया जा रहा है, आप लोग जानते ही हैं साजिशों को। और हमने भी जब यह एमबीए के ऊपर जिस तरह से ये हमला हुआ उसको लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने भी ऑल इंडिया कॉल दिया आपके सपोर्ट और सॉलिडारिटी में। 4 तारीख के दिन देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो एहतजाज हुआ, तो ये भी आपकी सॉलिडारिटी में मैं आपको रखना चाहूँ। साथियों, में सबसे पहले मैं अपनी बात को करने से पहले साथियों मैं अपने बात को शामिल होने के लिए यहाँ पर आया। साथियों, सबसे पहले मैं आपके संघर्षों को लाल सलाम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। अलीगढ़ के इतिहास को, सर सैयद की खिदमत को, यहाँ की रोशनी को मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ, आपके इत्तेहाद में शामिल होने के लिए। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि हमसे हमले, ये नया हमला नहीं है। लगातार हम हैदराबाद से लेकर अलीगढ़ तक, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर अलीगढ़ तक हमने देखा लगातार इनकी अपर फोकस प्रतिनिधि को होता करते जो नफरत की सियासत है देश में अंदर जारी है। लगातार आज अलीगढ़ ही ये निशाने पर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के वो तमाम इदारे निशाने पर हैं, तमाम साथियों आज यही इदारा टारगेट नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता अभी हमने देखा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लगातार जेएनयू के अंदर जिस तरह से उन्होंने साजिशन तहत जिस तरह से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से लगातार जामिया मिल्लिया को बदनाम करने की कोशिश की और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को लगातार तमाम हेलो आजा साथियों, ये कोई नया हमला नहीं है बल्कि आखिरी भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एएनयू को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, एएनयू को एक भगवा देख बात मुख्तसर मैं अपनी बात को करना चाहता हूँ कि लंबी तकारीर कर एक बार यहाँ पर एक भाषण कर जाना मेरा काम नहीं है, वो मोदी जी का काम है, वो कर रहे हैं भाषण देना, लेकिन लड़ाई लड़ना मेरा काम है, इस लड़ाई को आगे ले जाना मेरा काम है। ये लड़ाई को जब तक हम जीत ले जाते इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा नहीं पाते, जब तक इस लड़ाई के अंदर आपके साथ हम खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे आपके साथ कहा जैसे कहा। हमने कई लड़ाइयां लड़ी, हमने जब इन्होंने जेएनयू पे हमला किया, हमें मारने और जलाने की धमकियां दी, जब पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की,
जब भी हमने इस देश के अंदर अमन के झंडे को लेकर इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए इस देश के अमन को बचाने के लिए हमने परचम को लहरा कर रखा और लड़ाई जीते हैं और एबीयू का इतिहास ही जीतने का है। एबीयू ने कभी हार नहीं मानी, एबीयू ने कभी हार नहीं मानी। बताओ हजार वर्ष मजाक जरात का मौसा लेने को सौ बार झुका आता क्या बादल की शिकस्त तो पास किया। हम ये लड़ाई को भी जीतेंगे और मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि आज हुक्मरान बनकर इस तरह के साजिश एजियो में बैठ कर करते हैं, आज उनकी कुर्सी खतरे में है, इसके लिए देश को खतरे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश खतरे में किसी से है तो आरएसएस से खतरे में, ये भी खतरे में है, इनकी झूठी नफरत से खतरे में है। ये देश से खतरा आरएसएस को है। आज एमयू के छात्रों से हिजबुल मुहाफिज़ीन के सर्टिफिकेट मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बताओ कि एमयू ने कितने कुर्बानियां दिए कि कोई हमसे सवाल भी नहीं कर सकता है, ये सवाल बन भी नहीं सकता है कि कोई हमसे हिजबुल मुहाफिज़ीन के सर्टिफिकेट मांगे, क्योंकि देश हमारा है। ये देश एमयू के छात्रों का उतना ही है जितना बाहर दूसरे छात्र है, ये देश उतना ही तुम्हारा है ये तुम जितना उनका है। ये देश पे किसकी गुंडागर्दी किसकी दहशतगर्दी को हम चलने नहीं देंगे। ये कोई हमारी तकरीर नहीं है बल्कि हमने इनके तख्त गिराए, इनके ताज गिराए, ये इतिहास उठा कर देखो। हमने कई ऐसे इंकलाबों को बर्पा किया है, आज किसी के जज्बात से किसी के इशारों से खेलने का हक इस हुकूमतों को नहीं है। इन हुकूमतों को इंसाफ के आगे झुकना होगा, एबीयू के छात्रों को इंसाफ देना होगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलता अभी लड़ाई को आगे ले जाएंगे, आपके साथ हम खड़े हुए हैं। ये बात कि इनकी जो साजिश जो बैठकर कर रहे हैं जिन्ना को लेकर, कि ना ही हिंदुस्तान का कोई नौजवान या कोई स्टूडेंट जिन्ना की सोच के ऊपर आज अमल करने के लिए तैयार है, नहीं जिन्ना के विचारों के ऊपर चलना चाहता है। लेकिन जिन्ना को लेकर जो विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आज ये विवाद बनाकर जिसे अपनी सियासी रोटियां सेकने का जो बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है, इसका सीधा सीधा असर है कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में बीजेपी को हिंदू वोट नहीं मिल रहा है। जब हिंदू वोट को लेने के लिए जब यही योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, जब इन्होंने डीयू में राजनाथ कॉलेज के इशू को चलाया, एंटी नेशनलाइजेशन कर यूपी के अंदर ये कहा कि कुछ लोग आज देश के गद्दार यहाँ पर रहते हैं, इसके लिए देश को इन गद्दारों से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, इस तरह के नारे वहां पर दिए गए। यही नारे यही योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री जाकर वहां पर कर्नाटक में कर रहे हैं, तो इनके असल चेहरे को आपको सामने लाना होगा कि इसके पीछे आखिर है क्या, इस पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, उस सियासत को हमें समझना है। इसके लिए देश के हम भी कभी हमारे स्टूडेंट भी जज्बाती हो जाते हैं, कभी जज्बाती होकर उनके जज्बाती नारों का शिकार हो जाते हैं। हमें जज्बाती नहीं होना है, हमें होश और दूरअंदेशी से इस लड़ाई को लड़ना है, पूरे अमन के पैमाने में इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये अलीगढ़ वो शमा है जिसने दुनिया के अंदर रोशनी दी, जिसने दुनिया को दशा दिशा, जिसने दुनिया के अंदर इंकलाब बर्पा करने के लिए ऐसे 3.5 शोरा को ऐसे 40 करोड़ को दिया। इसके लिए यहाँ के लोग भी, यहाँ के तलवा और तालिबान भी इस चीज को समझे कि इस लड़ाई को हम इनके जज्बाती नालों में आकर हम भी जज्बात खो बैठेंगे, या हमें अकलमंदी से दूरअंदेशी से इस लड़ाई को पूरे अमन के प्यारे में लेते हुए इस लड़ाई को एक अमन की तरफ ले जाएंगे और जरूर जीतेंगे। यही बात मैं आपके सामने कहता हूँ कहते हुए कि हमें कोई मिटा नहीं सकता, हम मिटाने की हिम्मत किसी में नहीं है, हम जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। इसके लिए आप सबको फिर से एक बार क्रांतिकारी इंकलाबी सलाम पेश करते हुए आपसे रुख्सत देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।